झांकी बहुत बड़ी है ना। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। मेरा नाम है सुशांत। अभी आप सब लोग देख रहे हैं सुशांत अनवाल व्लॉग और अभी बज रहे हैं सुबह के 11। तो अभी आप सब लोग ये जरूर सोच रहे होंगे कि इतनी लेट में क्यों उठा, बिकॉज कल आधी रात तक मैं हॉस्पिटल में था, कोई व्यक्ति बीमार पड़ गया था तब उनके साथ। एंड अब मैं उन्हीं व्यक्ति को कुछ सामान पकड़ाने जा रहा हूँ हॉस्पिटल और उसके बाद में जाना है पेंटिंग खरीदने। सो लेट्स गो। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं बेस हॉस्पिटल में, बिकॉज हमारा कोई नोन बीमार था तो उनको उनका ये सामान पकड़ाना था। तो गाइस अब हम हॉस्पिटल से आ चुके हैं मालनी मार्केट और अब हम जा रहे हैं सीनरी वाले भैया की दुकान में कुछ सीनरी देखने। आधा मार्केट घूमने के बाद हमें ये सीनरी पसंद आती है तो हम अंकल से ये सीनरी पैक करवा देते हैं। तो गाइस अब हम आ चुके हैं मनीष के घर एंड हमने वो सीनरी परचेस कर चुकी है जो कि एक मेटालिक राधा कृष्ण जी की सीनरी है और एक नॉर्मल सीनरी से काफी अलग है। तो गाइस अंकल ने हमें ना वहाँ पे व्लॉग शूट करने नहीं दिया, दैट्स व्हाई हम वहाँ पे कोई व्लॉग बना नहीं पाए। अंकल को भंडारे में जाना था और सही बता रहा हूँ, इतना तो कोई 7-स्टार होटल वाला भी मना नहीं करता जितना अंकल ने हमें मना कर दिया था। तो गाइस कभी कभी ना मेरे को फील होता है जो मेरी आंखें ना वो चाइनीज की तरह हो चुकी है छोटी छोटी, क्योंकि तेरी आंखों के साथ मोहमोह हो चुका है। जो भी बोला अंकल बड़ा कंजूस था, एक तो सीनरी लेते टाइम उन्होंने 1 रुपए का डिस्काउंट दिया नहीं, दूसरा सीनरी अखबार में पैक करके दे दी, तीसरा व्लॉग बनाने नहीं दिया। आई होप कि जो ये गिफ्ट है ये मैम को पसंद आया, बिकॉज इसके पीछे हमारी बहुत मेहनत लगी है एंड हमने पूरा आधा बाजार घूमे एंड इन लास्ट हमें ये जो है सबसे ज्यादा पसंद आई। वैसे प्लान तो मेरा ये था कि केक लेके जाऊंगा और मैम को चुपके से सरप्राइज दे दूंगा, बट जो मेरा पार्टनर था ना उसकी तबीयत खराब है, दैट्स व्हाई अब ये प्लान कैंसिल करना पड़ा और सीनरी लेनी पड़ी, क्योंकि अब मैं अकेले इतना कर भी नहीं सकता, इतनी दूर केक ले भी नहीं जा सकता और इतना कुछ सजावट मेरे को आती भी नहीं है कुछ, दैट्स वाई अब इसमें काम चलाना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ अपने घर एंड इस गिफ्ट को मैंने पैक करवा के मीनू मैम के पास भी देना है, बिकॉज मैं कल कॉलेज जा नहीं रहा हूँ एंड मेरे भी हाथ में मीनू मैम को सरप्राइज दे देगी एंड शाम को मैं और मनीष सिद्धबली झांकी देखने जाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड और आप भी देखना हमारे शहर की सिद्धबली झांकी कैसी लगती है। बैक टू होम और सीनरी पूरी तरीके से सेफ है एंड अब मैं लंच करूँगा और थोड़ा आराम करूँगा, बिकॉज पहले पेट पूजा देन काम दूजा। अभी मैं सो के उठा हूँ और अभी टाइम हो रहा है 6:24 एंड आज कुछ ज़्यादा ही सो गया, बट अभी भी थकान मिटी नहीं, कुछ ही % थकान मिटी। और अब हम जा रहे हैं इस गिफ्ट को रैप करवाने और हो सकेगा तो अभी ये मैंने मैम को पकड़ा दूंगा। बैक टू होम, रैप डन। और वैसे अभी मैं इसी ड्रेस में जा रहा था जो सुबह पहनी थी, बट अब मेरे को किसी मीटिंग में जाना पड़ रहा है, दैट्स व्हाई अब मैं चेंज कर रहा हूँ और थोड़ा देर बनठन के जाएंगे यहाँ पे। तो अब मिलते हैं डायरेक्ट झांकी पे। झांकी बहुत बड़ी है ना, झांकी कैसी है? झांकी बहुत औसम है और ऑलमोस्ट 1000 से 3-4 हजार के अराउंड लोग आ रखे होंगे और इतनी बड़ी है ना, इतनी बड़ी मतलब हमने इसका स्टार्ट देखा और अभी तक हमें 32-40 मिनट हो गया पर इसका एंड नहीं देख पाए अभी तक। भाई ये अभी झांकी का एक पार्ट है। Thank you.
दोनों हाथ उठा करके बोलिए सिद्ध बली बाबा की और इस आज के आनंद की। अभी हम मैं सिद्ध बली के बाहर और अगर आपको सिद्ध बली की झांकी देखनी है प्रॉपर स्टार्ट से एंड तक तो आपको कम से कम 30-40 मिनट चाहिए बिकॉज वो झांकी इतनी लंबी होती है कि उसमें कम से कम 3-4 हज़ार लोग शामिल रहते हैं और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत झांकी रहती है। तो अगर कभी कोरदार आओ और झांकी का टाइम हो तो झांकी जरूर देखना। तो गाइस आप जो ये मंदिर देख रहे हैं ये सिद्ध बली मंदिर है और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सजा है और आज से मेला 2 दिन और रहेगा। ये है सिद्ध बली मंदिर की एंट्रेंस जो कि बहुत अच्छे तरीके से सजाई गई है और लग भी बहुत खूबसूरत रही है। और ये सिद्ध बली मंदिर के पीछे लग रहे हैं अभी मेले और ये अभी चालू इसलिए नहीं है क्योंकि आज झांकी का दिन है और मेला कल से लगना शुरू होगा। अब हम चलते हैं मेले की ओर। तो गाइस सिद्ध बली मंदिर के ठीक बाहर पे यहाँ पे काफी सारे झूले लगाए गए हैं जो कि मेले का ही एक पार्ट है और उसकी दूसरी साइड भी काफ़ी सारे झूले और अभी यहाँ पे लोग इसलिए नहीं है क्योंकि अभी सारे लोग झांकी में प्रेजेंट है और अगर कोई भी यहाँ आए तो ये मेरा आइसक्रीम का ठेला है, मेरे से आइसक्रीम जरूर खरीदें। झांकी के टाइम सिद्ध बली की खूबसूरती जो है वो 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है और कभी भी आओ तो रात को एक बार सिद्ध बली जरूर देख के जाना कि कैसा लग। बैक टू होम और झांकी बहुत अच्छी थी बट मैं ना झांकी के बारे में एक रियलिटी बताना चाहूँगा सबको कि झांकी इज लाइक अ कॉइन, मतलब डबल फेस्ड है। तो एक फेस तो एक ही बहुत अच्छी है बट एक फेस ना उसका ये भी है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हैं तो खाए पिए में आते हैं और लड़ाई झगड़ा मार पीट कर देते हैं। तो दैट्स वाई मैं ये बोलूँगा कि अगर कोई फीमेल मेम्बर आपके साथ है या छोटे बच्चे तो डोंट बी अ पार्ट ऑफ झांकी। साइड से खड़े होके देखिए तब कुछ नहीं होगा बट अंदर जाके घुस के नाचना मत, थोड़ा बहुत मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट भी हो सकता है और थोड़ी मार धाड़ भी हो सकती है। तो पर्सनली तो मेरा यही सजेशन है कि अनटिल अनलेस आप 10-15 या 4-5 का कोई ग्रुप ना हो तो ऐसे पार्ट मत बनिए उस झांकी का, दूर से खड़े होकर एंजॉय कीजिए एंड वो झांकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी और बहुत ही सुंदर। अभी अभी मैं घर आ रहा हूँ मीनू मैम को वो गिफ्ट देके बिकॉज मैं कल गिफ्ट देना भूल गया था एंड जब मैं घर से उन्हें गिफ्ट देने के लिए निकला तो आधे घंटे तक तो मेरी गाड़ी स्टार्ट हुई नहीं एंड आई थॉट कि मैम चले गई होगी बट जब तक मैं वहाँ गया तो मैम नहीं गई थी क्योंकि तुम्हारी भाई की किस्मत ऐसी कि जहाँ बैट घुमाता है वहाँ बॉल आती है। एंड अभी तक मैंने ज्योति मैम को बर्थडे विश नहीं किया बिकॉज उन्हें लगना चाहिए कि मैं भूल गया उनका बर्थडे। एंड मीनू मैम और मैंने प्लान बनाया कि मीनू मैम ना उनके ड्रॉर में चुपके से नीचे गिफ्ट छुपा देगी एंड देन मैं कॉल करके बोलूँगा मैम अपना ड्रॉर खोल के देखो एंड तब मुझे शौक लगेगा। एंड थैंक्स टू मीनू मैम जिन्होंने इतना सहयोग किया मेरा। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।